जानी देख उधर, वो रही चलता फिरता सुपर मार्केट वाली छोकरी। नैना थाने पर नए दरोगा आए हैं। तो क्या, ना तो वो कुछ सामान लाए हैं और ना ही हमारे पास कुछ है। बिस्तर से लेके राशन तक चाहिए। यानी धंधा होने का चांस है। अभी दरोगा जी से मिलती हूँ। चलो चलो जानी। मैं इस गांव का चलता फिरता सुपर मार्केट हूँ, इस मार्केट की मालकिन, नैना मेरा नाम। अच्छा नैना, तुम इतना सब कुछ बेचती हो, अपने लिए कुछ कपड़े क्यों नहीं खरीद लेती? इन कपड़ों में क्या हर्ज है, अच्छे तो हैं। हाँ अच्छे हैं, लेकिन कुछ कम है। कम है मगर अच्छे तो हैं। हर पेशे का अपना अपना ड्रेस होता है, इस ड्रेस में तो माल ज्यादा बिकता है। एक घाघरा चोली निकालो। किसके लिए? एक लड़की के लिए। लड़की की उम्र और ऊंचाई? समझ लो उम्र भी तुम्हारी और ऊंचाई भी तुम्हारी। अच्छा, ये है और ये भी है। बोलिए आपको कौन सा पसंद है? अगर इनमें से तुम्हें कोई पसंद करना हो तो तुम कौन सा पसंद करो? मैं ये पसंद करूंगी। कितने दाम? देखो साहब, मैं वर्दी वालों से ज्यादा मोल तोल तो नहीं करती। इसका दाम 225 बोलती हूँ, 200 पर मोल तय होगा, मगर बाद में 175 में मान जाऊंगी। काटा ही सही। बस बस ये लो, 25 रुपए वापस करना। लीजिए। अब इसे लेकर अंदर जाओ और पहन लो। आज के बाद अगर इन कपड़ों में देखा तो तुम्हें हवालात में बंद कर दूंगा। हाय राम, थाने में तो कपड़े उतारे जाते हैं तलाशी के लिए। आप तो पहले अफसर हैं जो कपड़े पहना रहे हैं। चुप, जाकर कपड़े पहन लो। साहब, मैं तो आपसे सौदा करके अपने फायदे का हिसाब लगा रही थी, आपने तो ये कपड़े मुझे देकर कर्ज में डाल दिया। बस बहुत हो गया, अब इस 25 रुपए का एक तेल और एक साबुन दे दो। ये लो साहब। मामा ये लो खाना। मेरे घर को तू बर्बाद करके छोड़ी। चावल भी बनाया और रोटी भी बनाई, मेरे सब पैसों का सत्यानाश कर दिया। इसलिए मैं तेरे को 4 आदमी को बेच दिया। मामा, आपने हमको बेच दिया? तू क्या जन्म भर कुंवारी रहेगी? मैं तेरी शादी तने करूंगा। शादी? वो भी 4 के साथ? 4 के साथ बात करूंगा, तब जाकर 1 के साथ हो गई है। उनसे आपने पैसे लिए हैं ना? दहेज लिया हूँ। बेटी का दहेज? तो क्या, लोग अपने बेटों का दहेज लेते हैं, मैंने अपनी बेटी का दहेज लिया, इसमें क्या बुरा किया? आप कुछ भी बोलो, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, कभी नहीं। वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, अगर तू नहीं मानेगी वो लोग पुलिस के साथ आएंगे। अरे रे रे, अरे चारों आदमियों से कैसे एक लड़की शादी कर सकती है? साहब हमें तो अपना रुपया निकालना है। साहब हम चारों उससे शादी करेंगे। साहब हम सबके साथ एक एक हफ्ता रहेगी, बारी बारी। वाह वाह, कितना अच्छा और पवित्र ख्याल है आप लोगों का। साहब ये चारों एक लड़की के साथ शादी नहीं कर सकते ना, मगर एक लड़की चारों से शादी कर सकती है, इसलिए मैंने नैना को इन चारों को बेच दिया। नैना? तुम लोग नैना की बात कर रहे हो? तुम लोग सब के सब बेशरम और बेवकूफ हो। कहां वो फूल सी नाजुक खूबसूरत लड़की और कहां ये बुड्ढे खूसट। अरे तुम्हारे तो एक एक पांव भी कब्र में जा चुका है, तुम तो उस लड़की के ससुर होने के लिए भी बूढ़े हो चुके हो। यानी कि हमारे रुपए डूब गए? अबे बुड्ढे, शुक्र करके हवालात में बंद नहीं कर दिया, चल जा। ओए, तुम लड़की के मामा हो? जी। असली मामा? जी सगा मामा। मामा का मतलब जानते हो? मामा, दो माँ के बराबर। तुम तो कसाई लगते हो। कसूर मेरा नहीं है सरकार, सारा कसूर दारू का है, मुझे माफ कर दो। चलो साहेब। ओ पुलिस साहेब, पुलिस वालों का कुछ भी पक्का नहीं, कुछ भी कहीं भी फेंकते हैं। पुलिस की वर्दी में कुछ तो है, कुछ लोग इससे डरते हैं, कुछ इसकी इज्जत करते हैं। मैं भी देखती हूँ। एक तो तुम? हाँ साहेब,
ये मेरा ड्रेस क्यों पहना? अच्छी लग रही हूँ ना? अरे अच्छी की बच्ची, ये खाकी क्या चीज है जानती है? जानती हूँ, खाकी पहनते ही हफ्ता वसूली करने को जी चाहता है। ए, कपड़े उतारती है कि नहीं? खाकी की इज्जत करना हमारा काम है, बिना घुस लिए कुछ नहीं करूँगी। अच्छा तो तुम्हें पुलिस वाला ढंग से समझाना होगा। अरे नैना, 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 धीरे से तो छुआ था, ये क्या हो गया तुम्हें? साहब, साहब, अब मैं क्या करूं? साहब जी, साहब, अरे क्या हुआ, क्या हुआ? साहब, पता है हमारे इलाके में एक लड़की गायब हो गई है और उसकी इज्जत खतरे में है। तो जाओ खोजो खोजो, पूरे घर की तलाशी लो, मैं कपड़े पहन के आता हूँ, जाओ। अच्छा साहब, साहब अभी क्या है यार? पानी मिल सकता है? ये पानी पीने की जगह है, चौपाल में जाओ, वहाँ चापाकल लगा हुआ है, दबाओ और पानी पियो, चलो। जी सर। कमाल है यार, हर बार पुलिस बारदात के बाद आती, यहाँ पहले आ गई। अब मैं ये ड्रेस कैसे उतारूं? अरे वाह, होश में आ गई। तुमने मेरे कपड़े उतार दिए? अरे तुम्हारे किधर भाई, मेरे हैं। यानी कि तुमने सब देख लिया? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मेरी आंखें बंद थी। अरे भाई गारंटी है, मेरी दो आंखें बंद थी तो मुझे कैसे मालूम होगा? नहीं अच्छा बंद थी तो फिर से करके दिखाओ। अरे नहीं, ये फिर से कैसे कर सकता हूँ? मैं तो जाके सबको बता दूंगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। साहेब, ओ साहेब जी। आओ आओ बेटी। माँ जी आप, मैं आप ही को खोज रही थी। अच्छा अच्छा। हाँ। मगर पुकार तो किसी साहब को दे रही थी। माँ जी का पता तो साहब से ही पूछूंगी ना। बेटी इस डब्बे में क्या है? बड़ी सुगंध आ रही है। ये आपके लिए मछली बना कर लाई हूँ। मेरे लिए? अच्छा अच्छा। इस मौसम में मछली कहाँ पा गई? नदी गई थी नहाने, सोचा दो चार मछली पकड़ लूँ, तो पकड़ लिया। क्यों, मैं मछली नहीं पकड़ सकती? क्यों नहीं, तुमने तो बहुत बड़ी मछली पकड़ ली है। अच्छा अच्छा, मैं चलती हूँ, बहुत काम है। ठहरो ठहरो, तुमने अपने हाथ से मछली पकड़ी, अपने हाथ से पकाई, तो अब अपने हाथ से खिला के जाओ। किसको? अपने साहब को। आपको कैसे पता चला मैं साहब के लिए लाई हूँ? इसलिए कि मैं भी कभी तुम्हारी उम्र की थी। ये क्या है? ये हमारे परिवार का एल्बम है। तुम एल्बम समझती हो? एल्बम का मतलब है फोटो के जरिए परिवार का कैलेंडर। ये कौन है? ये मेरे नाना जी, और ये मेरी नानी, और ये मैं, और ये है मेरे भैया के बचपन की फोटो। पैंतीस ईयर से हमको इलेक्शन जीतने का अभ्यास है, क्योंकि हम जनता से वोट मांगता नहीं हूँ, बल्कि खुद ही उनका वोट बैलेट बॉक्स में डिपॉजिट कर देता हूँ। पिताजी, इससे पहले के चुनाव एक तरफा होते थे, चुनाव से पहले ही आप जीत जाते थे, मगर इस बार आपके खिलाफ वो जनता का लीडर खड़ा है। जनता का लीडर? मेरे गांव में इंस्पेक्टर बनकर आया था, उसकी नौकरी जाती रही, अब हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है तो उसकी जान जाएगी। अब उसके साथ जो भी करना होगा वो इलेक्शन के बाद ही होगा, वरना चुनाव रद्द हो सकता है। हम लोग आज से ही चुनाव का प्रचार शुरू कर देते हैं। शाबाश बेटे, चुनाव प्रचार यानी के धमकी,
और सख्त वार्निंग, वोट हमको दो नहीं तो नतीजा बहुत बुरा होगा। नमूने के तौर पर तो पिताजी आज हम उन लोगों की पिटाई करेंगे जो हमारे विरोधी का प्रचार कर रहे हैं। उत्तम, अति उत्तम मेरे बेटो। सब औरतें लाइन लगा के एक एक साड़ी ले लो और साथ में 100 रुपए भी। साड़ी और रुपया किस लिए? चुनाव जीतने की खुशी में। मगर चुनाव तो कल होगा। चुनाव कल हो या परसों, लेकिन चुनाव हम लोग ही जीतेंगे और हमारा ये हुक्म है कि वोट हमको ही मिलेगा। हो सकता है तुम में से कई औरतों को हमारा ऐलान मंजूर ना हो और वो हमें वोट देना ना चाहे। कोई बात नहीं, उनके लिए भी हमारे पास एक साड़ी है, ये सफेद साड़ी। और ये साड़ी इतनी लंबी है कि ये उनके विधवा होने पर भी काम आ सकती है और उनके पति के कफन के काम भी। जो जो औरत सुहागवती बने रहना चाहती है वो ये लाल साड़ी ले ले और यही साड़ी पहनकर उसे कल वोट देने आना है, ताकि उसे याद रहे वोट किसे देना है, गलती ना हो। आओ साड़ियां ले लो, आओ। ये हो, साड़ी नहीं लेगी ये आपके 100 रुपए। सुहागन बनने से पहले ही विधवा बना देंगे। चुपचाप साड़ी ले ले और कल जाके वोट दे देना, समझी? वरना उस जीरो को तो हम मार ही देंगे और साथ में तेरे मामा को भी जिंदा गाड़ देंगे। अरे तू हंसी क्यों? साड़ी का रंग तो खतरे का रंग है, लाल रंग। खतरे से बचना, कल चुनाव है।